Student, this is the class 9 chemistry practical group. Yes, today we are solving practical number 2. Okay? What is practical number 2? कौन सा है यहाँ पे? इसको जरा करीब करें. In this practical, we have test tube के अंदर हमने wax use किया है. Okay? Practical में, ठीक है? इसके लिए हमारे पास ये सब थर्मोमीटर, बीकर, वायर ग्लास, ये हमारे एपरेटस से मैंने बता चुका हूँ. ठीक है? तो थर्मोमीटर, दिस इज थर्मोमीटर, दिस इज अ बीकर, वेरी गुड, दिस इज टेस्ट ट्यूब, वेरी गुड, दिस इज अ ट्राइपॉड स्टैंड, दिस इज वायर ग्लास, दिस इज स्प्रिट लैंप, वेरी गुड. एंड व्हिच टाइप ऑफ केमिकल वी हैव यूज्ड इनसाइड द टेस्ट ट्यूब? वैक्स. वैक्स. ओके स्टूडेंट्स, वी हैव यूज्ड वैक्स. ओके, सो इसको हम क्या कर रहे हैं, अभी टेम्परेचर दे रहे हैं. तो हमें वो टेम्परेचर नोट करना है कि ये मेल्ट होके लिक्विड में चेंज हो जाएगा. तो वो हमारा टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट हो जाएगा. फिर हम इसको स्टॉप कर देंगे और जैसे ही टेम्परेचर डाउन होगा तो वो टेम्परेचर दोबारा नोट करेंगे कि लिक्विड से दोबारा सॉलिड में चेंज हो जाएगा. तो वो टेम्परेचर हमारे पास आया था 64. तो 80 को और 64 को प्लस डिवाइड कर देंगे तो 74 डिग्री सेंटीग्रेड इसका एवरेज टेम्परेचर होगा. ओके, तो मेन मकसद यही था कि आपको इसका समझाना कि वैक्स का मेल्टिंग पॉइंट कैसे मालूम किया जाए. ओके स्टूडेंट्स, स्टॉप.